नमस्कार दोस्तों, एमएस का आप लोग का स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों आज का वीडियो है कि पॉलिटिशियन मतलब आईएएस और पॉलिटिशियन में अंतर क्या है। एक अधिकारी, एक मतलब सिविल सर्विसेज एग्जाम का या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दे करके मतलब फॉर्म फिल करके वो गया है, कोई भी अधिकारी हो या किसी भी डिपार्टमेंट में हो गवर्नमेंट का, एक पॉलिटिशियन और गवर्नमेंट के उस अधिकारी में क्या डिफरेंस है मैं आपको बताऊँगा। क्योंकि दोस्तों ये कल ही परसों अभी मेरे साथ एक चर्चा हो रही थी, कई दोस्त दो तीन लोग बैठे थे साथ में, तीन चार लोग थे, तो चर्चा हो रही थी ऐसे कि क्या ये पॉलिटिशियन क्यों ऐसा होते हैं कि पॉलिटिशियन के नीचे हम लोग गवर्नमेंट जॉब करने वाले भी इतना मेहनत करके जाते हैं वहाँ, तो क्यों पॉलिटिशियन के नीचे काम करते हैं। तो इस बात पर चर्चा हो रही थी, तो इसके बारे में मैं सोचा, फिर बाद में समझा, तो फिर इसलिए मैं आपको बताऊँ। कल ही बताने वाला था लेकिन कल थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया, थोड़ा बिजी होने के कारण इसलिए नहीं बता पाया हूँ। तो आज मैं आपको दे रहा हूँ दोस्तों कि कैसे क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। तो जान है रात में 9-10 करीबन 10 बजने वाला होगा, तो इस टाइम मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ, तो इसलिए मैं आपको बताऊँगा। क्योंकि देखिए कोई क्वेश्चन आता है तो मेरे मन में वो चीज़ें चलती रहती है कि क्या चीज़ इसको बताना है, कैसे क्या करना है, तो आज मैं बता दे रहा हूँ। तो जो भाई मुझसे मतलब वहाँ चर्चा हो रही थी वो लोग वीडियो भी देख रहे होंगे, तो उन लोग के लिए तो जानकारी मिल जाएगी आपको और बाकी सबको जानकारी मिलेगी। तो चलिए इसे बैठे करके मैं बताता हूँ दोस्तों, आप लोग तो पूरी वीडियो देखेगा पूरी तरह से एकदम कंफर्म हो जाएगा कि वास्तव में क्या चीज़ें होती है। तो मैं इसमें 10 पॉइंटें आपको बताऊंगा, 10 पॉइंट आपको बताऊंगा कि इस 10 पॉइंट में आपको क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, पॉलिटिशियन क्या होते हैं और सिविल सर्विसेज एग्जाम वाले आईएएस क्या होता है, क्योंकि सबसे बड़ा एग्जाम आईएएस है, तो इसलिए आईएएस से ही मैं जुड़ा हूँ। पॉलिटिशियन मतलब पॉलिटिशियन में आप लोग जान रहे हैं, आईएएस में मतलब ये सिविल सर्विसेज एग्जाम में आईएएस हुए, आईपीएस हुए, इस वाले से आप लोग नीचे ऐसे करके आते जाते हैं। बाकी इसमें पॉलिटिशियन में होते हैं आपके जान रहे, पॉलिटिशियन में आपके होते हैं पीएम, पहले होते हैं, पहले राष्ट्रपति होते हैं, इसके बाद पीएम होते हैं, इसके बाद सीएम होते हैं, सीएम के बाद या इसके बाद आपके एमपी होते हैं, मंत्री लोग होते हैं, मंत्री के बाद एमपी होते हैं, एमपी के बाद एमएलए होते हैं, एमएलए के बाद आपके उस जिला के अध्यक्ष होते हैं, बाकी और बाकी सब आते हैं, ऐसे ऐसे ब्लॉक प्रमुख होते हैं, बाकी और जो आते हैं प्रधान होते हैं, ऐसे मतलब पॉलिटिशियन में ये सब आते हैं। बाकी ये चीज़ें आईएएस होते हैं आपके, आईएएस के बाद आपके पीसीएस अधिकारी होते हैं, इसके बाद एसपी होते, मतलब आईएएस में ही आते हैं एसपी, इसके बाद आपने सीधे सीधे से नीचे चले आते हैं, जज होते हैं, सिविल जज होते हैं, ऐसे करके मतलब नीचे चले आते हैं इसी फायर में, बाकी पुलिस ऑफिसर मतलब ऐसे ऐसे सब पोस्टेड होती है, इसके बारे में बताऊँ। चलिए देखते हैं, पहला पॉइंट मैं आपको बता दूँ मेरे भाई, होते हैं एक आईएएस ऑफिसर, वो सिविल सर्विसेज का एग्जाम लेकर के ये यूपीएससी जो है क्लियर करके जाता है वहाँ। और बाकी ये पॉलिटिशियन क्या होता है, ये पॉलिटिशियन होता है, पहला नंबर डिफरेंस है, ये पॉलिटिशियन होता है ये जनता के द्वारा, ये हम लोग के द्वारा जो चुनके जाता है, मतलब वो जनता के प्यार के और अपने जो है इलेक्शन के दम पर वहाँ जाता है, ये मतलब मेंबर बनता है उसका, जो भी जैसे हम ही लोग चुनते हैं, एक अधिकारी लोग भी उसको देते हैं तो उनको चुनते हैं। बाकी एक सिविल सर्विसेज एग्जाम वाला वो आप अपने दम पे अपने मेहनत के दम पर पे एक एग्जाम क्वालिफाई करता है, इंटरव्यू देता है, फिर इसके बाद जाता है, पहला पॉइंट हो गया आपका। सेकंड पॉइंट आपका सेकंड डिफरेंट क्या है, एक पॉलिटिशियन सिर्फ जो है 5 साल तक रहता है, उसका एक लिमिटेशन होता है, जैसे 5 साल तक हुआ फिर आगे जो है 6 साल तक मतलब पढ़ जाएगा, मतलब जैसे 5 साल तक लिमिटेशन होता है, एक मिनिमम एक जो मतलब एक मिनिमम रिक्वेस्ट जो होता है रेशियो कि 5 साल तक होते हैं, बाकी जो कंडीशन के अकॉर्डिंग मतलब 1 साल बढ़ भी सकते हैं, जैसे कोई आपातकाल लगा तो राष्ट्रपति का मतलब शासन 1 साल बढ़ जाता है या प्रधानमंत्री का बढ़ जाता है, तो इसी के अकॉर्डिंग। बाकी आपका जो होता है क्या, एक आईएएस ऑफिसर कम से कम नहीं, तो ये आप लोग को अगर एज के हिसाब से किस एज में होता है तो कम से कम नहीं तो अप्रॉक्स 60 मतलब उसका रिटायर्ड जो है एज है 60 साल, मतलब 60 ईयर का हो जाएगा तभी रिटायर होगा। बाकी जहाँ तक है कि 20 से 25 साल 30 साल तो कम से कम जॉब कर ही देते हैं, 30 साल तक अगर उम्र में अगर एज में अगर कोई आईएएस ऑफिसर हो जाए तो 30 साल ड्यूटी करेगा, ये होता है। दूसरा डिफरेंस हो गया, आपको समझ में आ रहा होगा। अब तीसरा डिफरेंस क्या है मेरे भाई, आईएएस ऑफिसर को जो है सुरक्षा और सैलरी मिलती है, मतलब सब चीज़ें मिलती है उनको, सुरक्षा मिलती है मतलब उनके पीछे सब लोग रहते हैं, बाकी सैलरी भी अच्छा खासा मिलता है। बाकी एक पॉलिटिशियन का क्या होता है, पॉलिटिशियन का इतना कुछ नहीं होता, उनका कोई सैलरी लिमिटेशन नहीं होता है ना तो उनका कुछ होता, लेकिन आप लोग के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि क्यों पॉलिटिशियन इतना ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं, तो इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है मेरे भाई, आप लोग खुद जान रहे होंगे कि कैसे वो लोग पैसा कमाते हैं, कैसे क्या करते हैं। और एक आईएएस ऑफिसर जिंदगी भर कमाते रहता है उतना पैसा नहीं हो पाता, तो इसलिए मैं इस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा। बाकी किसी के मन के कोर्ट ठेस पहुँचाने की मेरी आदत नहीं है और मैं उस पर बोल भी नहीं सकता, तो बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, पढ़ रहे हैं। और चौथा पॉइंट आपका, पॉलिटिशियन ही आईएएस ऑफिसर को सेलेक्ट करता है, ये पॉलिटिशियन का पावर है मेरे भाई, एक पॉलिटिशियन एक जो है पीएम या सीएम जो भी होंगे, एक पॉलिटिशियन ही आईएएस ऑफिसर को हम जैसे मतलब कोई जैसे अधिकारी को मतलब आईएएस जैसे अधिकारी पीसी जैसे अधिकारी को सेलेक्ट करता है, लेकिन एक जो है आईएएस ऑफिसर जो है पॉलिटिशियन को भी
वोट दे करके मतलब एक जनता के द्वारा वोट जाता है, ये अंतर है। बाकी आपका पांचवा पॉइंट है कि आईएएस ऑफिसर जो है एक पॉलिटिशियन कभी भी बन सकता है, एक आईएएस ऑफिसर एक पॉलिटिशियन कभी भी बन सकता है, लेकिन एक पॉलिटिशियन जो है आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकता, उसके लिए बहुत दिक्कतें बहुत प्रॉब्लम होगी क्योंकि उसमें जान ही रहे हैं आप लोग। एक छठवा पॉइंट है आपका, एक आईएएस ऑफिसर के साथ सारा जो है सर्टिफिकेट होना जरूरी होता है, जो चीजें कैसे क्या पढ़े, इंटर किए, इसका बीएससी किए या बीकॉम किए या बीए किए, जो भी ग्रेजुएशन कैसे सेटअप बाय उसके पास होता है। लेकिन एक पॉलिटिशियन के पास कोई जरूरी नहीं है कि उसके पास क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, उसके पास कोई सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। बाकी आजकल तो हो गया कि इस चुनाव को लड़ोगे तो इंटर पास होना चाहिए, बीए पास होना थोड़ा बहुत मतलब, लेकिन बाकी उसके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं, कोई भी नेता बन सकता है। सातवां पॉइंट है आपका, एक पॉलिटिशियन जो है रूलर जो है डेमोक्रेसी है, बट आईएएस ऑफिसर जो है गवर्नमेंट, एक पॉलिटिशियन होता है उसका डेमोक्रेसी रूलर होता है, और बाकी जो पॉलिटिशियन जो आईएएस ऑफिसर होता है मेरे भाई, आईएएस ऑफिसर ये गवर्नमेंट द्वारा जो अपॉइंटमेंट जो भी चीज़ें होती जो भी रूल आएगा उस रूल को फॉलो करेगा, ये गवर्नमेंट जो करेगा, जैसे कोई भी संसद में कोई कानून पास हुआ तो आईएएस ऑफिसर के पास आता है, तो ये अधिकार है उनके पास कि उस राज्य मतलब उस डिस्ट्रिक्ट का आईएएस ऑफिसर वो कानून लागू कर सकता है। आठ नंबर है आपका पॉइंट, आईएएस ऑफिसर के साथ जो है आईक्यू लेवल, आईएएस ऑफिसर का आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा होता, और ये हम रहे कह रहे हैं कि एक पॉलिटिशियन का आईक्यू लेवल मतलब कम होता है, उनका जो है ईक्यू लेवल होता है, ईक्यू मतलब क्या है, एक इमोशनल क्वांटिटी होता है उनके अंदर कि इमोशनल जो है क्वालिफिकेशन होता है कि भाव भाव पर मतलब बातों बातों पर इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि वोट मांगने जब वोट का टाइम होता है तो आप लोग जान रहे हैं इतना समय चुनाव इलेक्शन पड़ रहा है कि किस तरीके से मतलब क्या करते हैं, तो बाकी इसमें आप लोग जान ही रहे। आठ नौ नंबर होता है, एक पॉलिटिशियन जो होता है ये एक लीडर होता है, बाकी जो है आईएएस ऑफिसर एक मैनेजर होता है, एक गवर्नमेंट के द्वारा मैनेजर अपॉइंटमेंट होता है उस पूरे, जैसे कोई स्कूल हो तो स्कूल का मैनेजर मेन मालिक होता है, तो वैसे पूरे डिस्ट्रिक्ट का मालिक वो मैनेजर होता है। अब टेन पॉइंट है क्या है, ये जो है आपका रिस्पेक्ट होता है, एक आईएएस ऑफिसर का रिस्पेक्ट होता है, लेकिन जो करप्शन के दौरान जो है मतलब पॉलिटिशियन लोग जो है करप्शन अगर करेंगे तो आईएएस ऑफिसर से डरेंगे ही, क्योंकि करप्शन नहीं कर सकते हैं दिक्कत होती है, तो आईएएस ऑफिसर को एक पावर ये दी गई है। तो बाकी आप लोग को समझ में आ रही होगी वीडियो आप लोग को अच्छे तरीके से, तो थैंक यू दोस्तों, ऐसे वीडियो को शेयर करिए अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए मेरे भाई ऐसे ही जानकारी के लिए। अगर कोई भी और जानकारी चाहिए आपको लेकर के तो इससे रिलेटिव MLA या MLP या डिस्ट्रिक्ट लेवल से, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको हर एक चीज़ें बताऊँ। तो थैंक यू, आप लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, बाय बाय, टाटा।